If the binomial expansion of a plus bx की power minus 2 is 1 by 4 minus 3x plus up to, then we have to find the value of a and b. तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं, 1 plus x की power minus n का एक्सपेंशन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 minus nx plus minus n minus 1 into minus n upon 2 factorial into x square plus minus n into minus n minus 1 into minus n minus 2 upon 3 factorial into x cube up to. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे a plus b x की पावर minus 2, तो यहाँ से सबसे पहले a की पावर minus 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 1 plus b y a x की पावर माइनस टू. फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए की पावर माइनस टू, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ऑफ 2 बी अपॉन, क्योंकि 1 माइनस एन एक्स है, एन की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू है, तो यहाँ पे 1 माइनस टू इंटू बी वाई ए इंटू एक्स. तो यहाँ से अगर 1 अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट वाली टर्म से तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बी अपॉन ए क्यू इंटू एक्स, और इसका एक्सपेंशन किसके इक्वल है, 1 बाई 4 माइनस ऑफ 3x, 1 बाई 4 माइनस ऑफ 3x. तो यहाँ पे कांस्टेंट के कोफिशियंट को अगर कंपेयर किया तो 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 4. तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4. तो यहाँ से ए की दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस 2. सिमिलरली x के कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2b अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू माइनस 3. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3aq. तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, b इज इक्वल टू, अगर a की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो 3 इंटू 2 का होल क्यू अपॉन 2, तो 24 अपॉन 2 डैट इज इक्वल टू 12. और अगर a की वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो b इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 का होल क्यू अपॉन 2 डैट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 8 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस 12. तो एक बार दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक 2, 12 और दूसरी वैल्यू है -2, -12. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. तो हियर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.